गुड मॉर्निंग, दिस इज विश्वजीत कुमार एलियास इंग्लिश के जादूगर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। द टॉपिक इज क्लोज टेस्ट। दिस इज द वेरी टॉपिक विच ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट to handle, quite difficult to solve. There are numerous reasons behind this. So before we start close test, एक शायरी है जो इस close test के ऊपर काफी सटीक बैठती है। पहले मैं वो बोलना चाहूँगा इसलिए कि उस शायरी में वो सारी बातें हैं जो एक क्लोज टेस्ट को हल करने के लिए होना चाहिए। सफर में भीड़ तो होगी, चल सको तो चलो, इस भीड़ में सभी हैं शामिल, चीर कर निकल सको तो चलो। अर्थात क्लोज टेस्ट एक ऐसी टॉपिक है जिस पर आपको बेहतर पकड़ बनाने के लिए आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ रूल्स होनी चाहिए। इन रूल्स के द्वारा ही आप क्लोज टेस्ट के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे, क्लोज टेस्ट की कठिनाई को आप आसानी से चीर कर आगे निकल सकेंगे। तो अब हम आप उस टॉपिक पर धीरे धीरे आगे बढ़ें जिस पर चर्चा मैं करूंगा, और उस टॉपिक के अंतर्गत जितनी बातों को ध्यान में रखना है उन सारी की भी मैं धीरे धीरे बारी बारी से चर्चा करूंगा। हमारी फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज क्लोज टेस्ट, जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है। क्लोज टेस्ट हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई एक पैसेज होती है, एक टेक्स्ट होती है जिसके बीच बीच से एग्जामिनर्स लिंकिंग वर्ड्स को, कंटेक्चुअल वर्ड्स को या मीनिंगफुल वर्ड्स को हटा देता है, गायब कर देता है, और हमें इन वर्ड्स को मीनिंग, ग्रामर, टोन, रिलेशंस इत्यादि को आधार बनाते हुए फील करना होता है। काम थोड़ी कठिन जरूर प्रतीत होती है लेकिन बिल्कुल आसान है जब हम आप इसमें बताए गए रूल्स को ध्यान में रखें। यह भी आपको मैं श्योर कर रहा हूं कि ये रूल्स जिसकी चर्चा मैं बारी बारी से करूंगा, ये पहली बार मैं करने जा रहा हूं। न आपने बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियोज देखे होंगे लेकिन मेरे विचार से वीडियो को जिस रूप में होना चाहिए, वीडियो पर जिस बातों पर चर्चा होनी चाहिए वो बातें मैंने भी नहीं देखी। वो वीडियो संक्षेप में बोलूँगा कि विषय से विषयांतर है, ऑफ द ट्रैक है। तो आए इन सब कमियों को दूर करके हम इस क्लोज टेस्ट को एक समग्रता प्रदान करें ताकि हम इस क्लोज टेस्ट के प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। अब आगे बढ़ा लें, व्हाट इज क्लोज टेस्ट। हमने कहा कि इसके बीच बीच से कुछ वर्ड्स होंगे वो गायब रहेंगे। अब इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिसे गायब किया गया वो नंबर्ड गैप आपके स्क्रीन के सामने है, इस जगह आपको फिल करने हैं, या आप नंबर नंबर दो है इस जगह आपको फिल करने हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे नंबर तीन है यह आपको फिल करने हैं, नंबर चार आपको फील करने हैं, नंबर पांच आपको फील करने हैं। अर्थात एक पैसेज हमारे सामने है, इस पैसेज के बीच बीच से करेक्ट वर्ड हटाया हुआ है, इन करेक्ट वर्ड को हमें फील करना है। फील करते समय यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन सबसे बेस्ट हो, जो ऑप्शन सबसे एप्ट हो, जो ऑप्शन सबसे सुटेबल हो उन्हें ही चुनना है। जो ऑप्शन सुटेबल नहीं हो, जो ऑप्शन बेस्ट नहीं हो, जो ऑप्शन एप नहीं हो उन्हें डिस्कार्ड कर देना है, उन्हें एलिमिनेट कर देना है।
ये ऑप्शंस है उस पैसेज का जो आपके स्क्रीन पर मैंने दिखाया क्लोस्टेस का। इस पैसेज को देखने के बाद क्लोस्टेस से आप एक नज़र में परिचित हो गए होंगे। अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट की ओर ले चलूं, इसके पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। क्लोज टेस्ट में भी खाली स्थान को भरना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी खाली स्थान को भरना होता है, किंतु दोनों के नाम में डिफरेंस क्यों? इसका कुछ रीजंस है, ये रीजन मैं डिस्कस कर देता हूं। एक तरफ मैंने शॉर्ट में क्लोज टेस्ट के लिए सिटी लिखा, एक तरफ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए FIB दिया। किसी भी क्लोज टेस्ट के प्रश्न को जब हम आप लेंगे तो पूरा का पूरा पैसेज किसी एक सिंगल टॉपिक पर आधारित होगा, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स का कोई फिक्स्ड टॉपिक नहीं होगा। यह डिफरेंस इसका फर्स्ट है। डिफरेंस नंबर दूसरा, क्लोज टेस्ट हमारे डे टू डे के लाइफ से जुड़ी हुई होती है, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स का हमारे डे टू डे लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न का हमारे दिनचर्या के जीवन से कोई मतलब नहीं होता। तीसरी बात, क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस रियल में काफी क्लोज होते हैं, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस काफी क्लोज नहीं होते। हाँ, अपवाद में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे रहे हैं जिनमें ऑप्शंस क्लोज होते हैं। चौथा डिफरेंस ले लूं कि क्लोज टेस्ट के अंतर्गत हमें ऑप्शन चूज करते समय उन वर्ड पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो कॉमन यूसेज में हो, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स में हमें उन वर्ड पर ध्यान रखना चाहिए जिनका हमने कम यूज और कम प्रयोग देखा है। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे ऑप्शंस कम ही चुने जाते हैं जो कॉमन यूसेज में हो, अर्थात कॉमन यूसेज को नहीं लेना है। ये एक छोटा रीजन्स लेकिन टू द पॉइंट रीजन रहा क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में अंतर का, और क्यों इस टॉपिक का नाम क्लोज टेस्ट पड़ा और क्यों उसी टॉपिक का नाम फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो हम आप डिफरेंस समझ गए। डिफरेंस समझने के बाद जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि क्लोज टेस्ट कितने प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जब क्लोज टेस्ट के टाइप पर चर्चा करेंगे तो इसके टाइप को हम और आप एग्जाम के प्रश्नों को देखते हुए कई भाग में बांट लेंगे। एक क्लोज टेस्ट जिसे रनिंग टाइप क्लोज टेस्ट बोलते हैं, इसके अंतर्गत एक पैसेज एक ही टॉपिक से रिलेटेड होगी और सारे के सारे ऑप्शंस भी उस टॉपिक के इर्द गिर्द बुने गए होंगे। अर्थात वैसा पैसेज जो रनिंग हो, जो केवल एक टॉपिक पर आधारित हो, जिसके प्रत्येक गैप का टॉपिक चेंज ना हो, उसे हम रनिंग टाइप कहेंगे। और रनिंग टाइप ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किंतु जब आप CDS को ले लें, NDA को ले लें, तो क्लोज टेस्ट के दूसरे टाइप का नाम बोलेंगे चंक टाइप। यह खास करके CDS इस टाइप को आधार बनाती है। चंक टाइप का मतलब होगा कि वैसा टेक्स्ट जिसका प्रत्येक प्रश्न आपस में इंडिपेंडेंट हो, आगे के प्रश्न का पीछे से कोई तालमेल नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो,
अर्थात प्रत्येक गैप अपने अपने टॉपिक पर आधारित हो, पूरा पैसेज एक टॉपिक पर आधारित नहीं हो, यह केवल सीडीएस में पूछे जाते हैं। तो हम आप जान गए कि क्लोज टेस्ट को दो टाइप में बांट लेंगे, एक टाइप रनिंग टाइप, अर्थात ऐसा टाइप जो किसी एक सिंगल टॉपिक पर आधारित हो और पूरा का पूरा पैसेज उसी सिंगल टॉपिक का इलेबोरेशन हो, उसी सिंगल टॉपिक का एक्सटेंशन हो। दूसरा टाइप चंक टाइप, कि वैसा प्रश्न जिसमें प्रत्येक गैप का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं हो, कोई तारतम्यता नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो, प्रत्येक गैप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, प्रत्येक प्रश्न किसी खास टॉपिक पर आधारित नहीं हो। टाइप अवगत होने के बाद हम आप आगे आगे बढ़ेंगे। दोबारा आपको रिमाइंड कर दूं कि आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न रखे गए हैं ये क्लोज टेस्ट के रनिंग टाइप हैं, और अब हम इन्हीं रनिंग टाइप्स को भी कई सब टाइप्स में भी बांट सकते हैं, जिसमें एक टाइप आपके पास ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके पास गैप दिए गए हैं और इस गैप को भरने के लिए आपके पास आगे ऑप्शंस भी हैं। आपको इन ऑप्शन से एक सही ऑप्शन भरना है, इसे टाइप नंबर 1 के अंतर्गत रखा है। टाइप नंबर 2 है, यह क्लोज टेस्ट की एडवांस्ड टाइप है। इस टाइप के अंतर्गत जो खासकर आजकल बैंक पीओ में आधार बनाया जा रहा है, इस टाइप के अंतर्गत गैप्स तो आपके पास होंगे लेकिन एक गैप के बगल में आपके पास 5-5 वर्ड्स इसी स्थान पर रखे गए हैं और इन्हीं वर्ड्स को पुनः ऑप्शन में भी रखा गया है, और आपको ये बताना होता है या ये बताना है कि इन 5 वर्ड्स में से जिन्हें ऑप्शन के बाद यानी गैप के बाद ऑब्लिक ऑब्लिक करके रखा गया, इनमें से कौन सा एक इस ए नंबर गैप के लिए ज़्यादा सुटेबल होंगे। यानी पैटर्न तो पहले जैसा है, पहले टाइप के समान है, केवल थोड़ी बहुत चेंजिंग है। पहले टाइप में ऑप्शंस बाद में, गैप पहले, इस टाइप्स में ऑप्शन और गैप गैप और भरा जाने वाला वर्ड का ऑप्शन भी साथ साथ है, यानी भरे जाने वाले वर्ड को भी साथ साथ रखा गया और पुनः इसे ऑप्शन का रूप दिया गया कि आप इन 5 में से कौन सा एक सही है उसे चुने। यह टाइप नंबर 2 है। इसमें आप हर जगह आप देख रहे होंगे कि जैसे गैप नंबर बी है, इसमें भी, इस गैप नंबर बी में भी आप देख रहे होंगे कि ये सारे वर्ड रखे गए हैं, आपको इन्हीं में से कोई एक चुनना है जिसे आगे आगे फिर ऑप्शन के रूप में दर्शाया भी गया है, जैसे आप देख ले। अब आ जाएं इसके टाइप नंबर 3 पर। यह टाइप अभी हाल फिलहाल में 2018 में एक बैंक पीओ ने अपना आधार बनाया। इसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि गैप के बगल में एक वर्ड रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इसी प्रश्न में गैप नंबर बी के बगल में भी वर्ड है, इसी प्रश्न में गैप सी के बगल में भी वर्ड है, इसी प्रश्न में गैप डी के बगल में भी वर्ड है। आपको यह बताना होगा इस टाइप में कि यदि पढ़ने के बाद ऐसा लग जाए कि गैप ए के बाद दिया गया वर्ड आपके नजर में गलत हो तो बी सी और डी में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे इस ए नंबर गैप के बाद रख दिया जाए तो वो वर्ड हमारा या सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल अर्थ देगा। इसी प्रकार से इसमें प्रोसीड करना है कि गैप नंबर बी के बगल में रखा गया वर्ड हो सकता है गलत हो। अब आपको बताना है कि गैप बी में ए सी और डी में से किसे रख दिया जाए
तो यह वाक्य मीनिंगफुल अर्थ देगा। इसमें आपके पास दोबारा ये ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं ऑप्शन को आप देख रहे होंगे कि यह नंबर दिया गया है कि गैप ए के लिए इन पांच में से किस वर्ड को रिप्लेस कर दें ताकि अर्थ मीनिंगफुल हो जाए। संक्षेप में इन तीन टाइप को जानने के बाद हम आप ये मैं बोल सकता हूँ या हम आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्लोज टेस्ट का टाइप चाहे कुछ भी होता चले, क्लोज टेस्ट आगे आगे और भी एडवांस टाइप का पूछा जाने लगे, लेकिन क्लोज टेस्ट में केवल एक ही मूल बात निचोड़ निकल करके आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके पास उपलब्ध टेक्निक्स, आपके पास उपलब्ध ट्रिक्स, आपके पास उपलब्ध मेथड। आप इन सभी के आधार पर इस टफ प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। एक बार जब हमने क्लोज टेस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा किया, तो अब मैं उन कारणों पर आना चाहता हूं जिसे अक्सर मैंने अपने क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में पाया है कि वो क्लोज टेस्ट क्यों हल नहीं करना चाहते, या क्लोज टेस्ट हल करने में उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर क्लोज टेस्ट के वो सही आंसर पर यदि नहीं पहुंच पाते तो उसका क्या रीजंस है। तो हम आप आ जाएं, हमने एक हेडिंग बनाया, एक टाइटल बनाया, व्हाई डू वी फेल इन सॉल्विंग क्लोज टेस्ट। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर पांच रीजंस हमने रखा, यह हमने संक्षेप में रखा है, और भी रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर पहला हमने देखा है, स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट के पैसेज पर जब भी पहुंचते हैं, प्रश्न पर जब भी पहुंचते हैं, तो वो नेग्लिजेंट हो जाते हैं, वो ध्यान देना छोड़ देते हैं, वो जैसे तैसे सवाल को हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक कारण है कि वो पैसेज को सीरियसली गंभीरता से नहीं लेते हैं। यदि वो शुरुआत से ही इस पैसेज को या क्लोज टेस्ट को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दें तो धीरे धीरे क्लोज टेस्ट में उनकी रुचि भी बढ़ जाएगी और क्लोज टेस्ट के प्रश्नों को हल करना उनके लिए आम बात हो जाएगी, या चुटकी में हल हो जाएगी, या बहुत आसान खेल हो जाएगी। रीजन नंबर दूसरा पर अब बात कर लें। जब भी हम आप क्लोज टेस्ट के प्रश्न देखेंगे तो जितने भी गैप्स होते हैं हमारे पास, उन गैप्स को भरने के लिए लेखक प्रत्येक गैप के आगे और पीछे कोई ना कोई संकेत छिपा कर रखता है। यदि हम और आप उस संकेत को ढूंढने में सफल हो जाएं, उस क्लू को लोकेट करने में सफल हो जाएं, तो बड़ी आसानी से हम उसके हिडन मीनिंग को समझ सकते हैं और बड़ी आसानी से आंसर को चुन भी सकते हैं। तो दूसरा रीजन है, दूसरा कारण है कि स्टूडेंट क्लोज टेस्ट बनाने के क्रम में क्लू को खोजने के बजाय पूरे सेंटेंस का अर्थ निकालना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें अब कम से कम चेक कर लेना चाहिए कि पूरे का वाक्य का अर्थ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संकेत दिया हुआ है, उस संकेत को लोकेट करने का अभ्यास कर लें, उस संकेत को पकड़ने का अभ्यास कर लें, ताकि हम और आप बड़ी आसानी से सवाल क्रैक कर सकें। आ जाएं नंबर रीजन नंबर थर्ड, फेल इन अप्लाइंग द एग्जैक्ट रूल्स ऑफ ग्रामर वेयर एवर रिक्वायर्ड। जैसे ही ग्रामर की बात आती है, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात पहुंचती है, स्ट्राइक करती है कि ग्रामर्स में तो बहुत सारे रूल्स हैं, 500, 600 या और ज़्यादा रूल्स हैं जिन्हें आप अक्सर टीचर को लिखवाते हुए देखेंगे, लेकिन रियल में वास्तविकता यही है कि ग्रामर के बहुत कम ही रूल्स हैं जो आपके लिए एग्जाम्स के पर्पज़ से, या फिर यदि आप उसे स्पोकन इंग्लिश में भी लगाना चाहें, या पेपर और मैगजीन्स के सेंटेंस को भी आप तोड़ना चाहें, तो उस कम रूल्स में ही आप तोड़ सकते हैं, और ये रूल्स होते हैं बेसिक रूल्स। आपको बहुत सारे रूल्स का मास्टर होना जरूरी नहीं, आपके पास बेसिक रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास रूल को अप्लाई करने की क्षमता भी होनी चाहिए। सवाल देखते रूल आप समझ जाएं, सवाल देखते रूल आप अप्लाई कर लें। अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जब क्लोज टेस्ट के सवाल को हल करते हैं
तो वो ऑप्शन को बिना ग्रामर की कसौटी पर कसे हुए, बिना ग्रामर की कसौटी पर चेक किए हुए आंसर को टिक आउट कर देते हैं, जो उनकी गलती है या उन्हें क्लोज टेस्ट न बनाने का एक कारण भी है। नंबर चार, रीजंस नंबर फोर, फेल इन डिसर्निंग द रियल थीम। अक्सर स्टूडेंट्स जब प्रश्न को हल करते हैं तो पैसेज के रियल थीम को पकड़ पाने में वो असफल होते हैं। आई इन रियल थीम पर चर्चा करने के पहले मैं कुछ विषय से विषयांतर होना चाहूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास देना चाहूँगा, ताकि आप में से भी यदि कुछ पाठक ऐसे हैं तो अपने आप को बदल लें, चेंज कर लें। इस वर्ल्ड में दो तरह के पाठक हैं, दो तरह के रीडर्स हैं। वन इज कैजुअल रीडर, ये ऐसे रीडर्स होते हैं कि जिन्हें कोई भी चीज़ दे दिया जाए वो हल्के फुल्के में एक बार सरसरी निगाह से भी नहीं देख पाते, एक कर्सली ग्रांस से दिया, जैसे तैसे दिया और न ही इसके थीम को समझा, न ही इसके कंटेक्स्ट को समझा, न ही इसके मीनिंग को समझा और न ही इसमें उसने ग्रामर को चेक किया और पैसेज को केवल अनमने ढंग से एक बार देखा। और एक रीडर होते हैं वोरेसस, ये ऐसे रीडर्स होते हैं जो किसी भी छोटी छोटी बात को, किसी भी छोटे छोटे टेक्स्ट को बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से पढ़ते हैं। तो क्लोज टेस्ट को हल करने के लिए आपको भी वोरेसस रीडर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं ले पाएंगे तब तक आप पैसेज आसानी से हल नहीं कर पाएंगे, तब तक आप पैसेज के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए यदि क्लोज टेस्ट पर कमांड करना है तो हमें और आपको गंभीर पाठक भी होना है। क्वेश्चन नंबर पांच, फेल इन हैंडलिंग द लैंग्वेज सेक्शन। आपने एग्जाम में क्लोज टेस्ट को देखा होगा, कई क्लोज टेस्ट में जिन गैप को भरना होता है उन गैप के आगे पीछे कम ही वर्ड या वर्ड ग्रुप्स होते हैं, और कई गैप्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें भरने के लिए आपको तीन या चार लाइन पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है, अर्थात तीन तीन चार चार लाइंस के गैप के बाद एक गैप आपके पास मिलता है जिन गैप को आपको फिल करना है। हमारे और आपके पास एक गलत आदत क्या होती है कि पूरे तीन या चार लाइन की हम और आप हिंदी करना या अंग्रेजी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरे विचार से ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, ये बहुत बड़ी गलती है। किसी भी क्लोज टेस्ट को हल करने के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्लोज टेस्ट को हल करने के लिए उसके एक एक वर्ड की मीनिंग आपको आना चाहिए, यह भी आवश्यक नहीं है। किसी भी क्लोज टेस्ट को हल करने के लिए तीन लाइन्स या चार लाइन्स हमारे पास होना चाहिए, यह भी आवश्यक नहीं है। किसी भी क्लोज टेस्ट को हल करने के लिए हमारे पास क्लू होने चाहिए, हमारे पास कीवर्ड होनी चाहिए, हमारे पास टॉर्च बियरर वर्ड होनी चाहिए, हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड होनी चाहिए जिसे आधार बनाकर हम और आप आंसर तक पहुंच सके। तो बहुत सारे को हमने देखा है कि वो पूरे पैसेज को पढ़ना लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने के बाद वो मेन आइडिया को अपने दिमाग में रिटेन करने में असफल हो जाते हैं, और असफल होने के पश्चात उनकी आंसर के गलत होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब तक आपने कारण देखा कि क्लोज टेस्ट हल करने में क्या कारण होते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, हमने संक्षेप में कुछ कारण लिए। आए आगे बढ़े, What does close test really demand? या what does close test demand? किसी भी close test को हम और आप हल करें या फिर close test के प्रश्न जब exams में हमारे पास आते हैं तो लेखक का क्या hidden motives होता है यह भी जान लेना आवश्यक है, और इसी hidden motives को ही हम आप ये समझ सकें कि क्लोज टेस्ट हल करने में आपसे कौन कौन बात डिमांड करती है या एग्ज़ाम आपसे क्या क्या डिमांड करना चाहती है। फर्स्ट है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट टॉपिक्स की अध्ययन होनी चाहिए। जितने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स की अध्ययन आपके पास होगी
उतने बेहतर क्लोस्टेस की समझ आपके पास बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास वर्ड स्टॉक बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास कंटेक्चुअल वर्ड भी मौजूद होते चलेंगे। तो जितना भी आप पढ़ सकें आप पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें। आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, आप नोवेल भी ले सकते हैं, आप मैगजीन्स भी ले सकते हैं। दूसरा जिसका क्रक्स है कंटेक्चुअल वर्ड्स। एक आदमी को केवल वर्ड ही जान लेना काफी नहीं है। मान लिया जाए आपके पास वर्ड्स का स्टॉक 20 से 25,000 हो तो यह आपके लिए काफी नहीं है। वर्ड के स्टॉक्स के साथ साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इन वर्ड्स का यूसेज कहां कहां पर है या इन वर्ड को किस कंटेक्स्ट में प्रयोग अक्सर देखा गया, अर्थात वर्ड को उसके कंटेक्स्ट के साथ ध्यान में रखना भी आवश्यक है। यदि हम और आप इस पर कमांड कर ले तो क्लोस्टेस पूरे के पूरे सही करना काफी आसान हो जाएंगे। आ जाए तीसरा, मॉडलिंग द गिवन लैंग्वेज इन योर ओन वेज। लेखक पैसेज को या टेक्स्ट को कई बार काफी सिंपल तरीके से रखती है और कई बार उसे ट्विस्ट कर देती है, कॉम्प्लेक्स बना देती है। सिंपल तो आसान होते हैं, हमारा आप आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन जब पैसेज के टेक्स्ट को वो ट्विस्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, तभी उसमें एक क्लू को वो छिपा लेता है। हमें और आपको चाहिए कि उस लैंग्वेज को काफ़ी आसान बना लें, उस लैंग्वेज को अपने अनुसार मोल्ड कर लें, उस लैंग्वेज को अपने अनुसार मोड़ लें और पूरे लैंग्वेज के क्रक्स को ही केवल दिमाग में लाएं या रखें। फिर ग्रामर के रूल्स की, जिसकी चर्चा हमने पिछले टॉपिक में भी की, कि जब भी आप ऑप्शन चूज करें, जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो इस बात की पूरी ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक ऑप्शंस ग्रामर की कसौटी पर कसा हुआ है या नहीं। आपने आंसर चुनते समय प्रत्येक ऑप्शंस को ग्रामर की कसौटी पर कसा या नहीं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि यदि आप ग्रामर की कसौटी पर ऑप्शन को कस लें तो एक ही बार में आपके पास सही आंसर पहुंच जाएंगे और सारे आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे। नंबर 5 है, जिसकी चर्चा हमने कंटेक्चुअल वर्ड में भी की, उसी का यह रीराइटिंग है कि कमांड ओवर वर्ड्स एंड देयर यूसेस, कि आप जितना वर्ड पावर हो सके आप बढ़ाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ड को, खास करके वैसे वर्ड्स जो आपस में सिनोनिम्स हों, उन प्रत्येक वर्ड को किस किस स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, या जो सिनोनिम्स हैं उन सिनोनिम्स के प्रयोग में क्या डिफरेंसेज है, ये ध्यान में रख लेना चाहिए। और ये बड़ा कठिन नहीं है, जब हम आप रीडिंग की आदत डाल लेंगे और जब भी हम आप पेपर और मैगजीन्स या नोवेल आप पढ़ेंगे तो पढ़ते समय एक आप नोट चाहें तो नोट बना लें, पढ़ते समय एक नोटबुक आप रख लें और नोटबुक में सेंटेंस जो पेपर और मैगजीन्स में दिए गए हैं उस सेंटेंस के उस सेगमेंट को आप अलग कर लें जिसमें उसके वर्ड के मीनिंग, उसके वर्ड के यूसेज, उसके वर्ड के कंटेक्स्ट को आप नहीं समझ पा रहे हो, आप उसे अलग कर लें और आप उस पर अपना ध्यान देना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे आपको लगेगी कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है और धीरे धीरे आपको लगेगी कि वास्तव में क्लोज टेस्ट मूर्ख बनाने का एक काफ़ी आसान तरीका था, जिस तरीका को लेखक आपसे अब तक बचा करके रखा, लेकिन अब शायद वो बचेगा नहीं। एक बार मैं कोरिलेट कर लूं कि हमारे पास 2 और 5
दो में हमने कंटेक्सुअल वर्ड्स रखा है और पांच में हमने वर्ड्स और उसके यूसेज के बारे में बताया। कंटेक्सुअल वर्ड्स को क्लियर कर दूं, ये वैसे वर्ड्स होते हैं जिनका किसी खास शब्द के साथ खास कंटेक्स्ट में अक्सर प्रयोग आपने एक साथ देखा होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक गैप आपके पास दिया, इस गैप के बाद हमने इफोर्ट या इफोर्ट्स वर्ड हमने रखा। अब आपको इस गैप्स में वर्ड चुनने हैं, तो जब हम आप पेपर और मैगजीन से लेंगे तो आप देखेंगे कि इस इफोर्ट्स के साथ ये तीन कॉमन वर्ड्स है जो अक्सर प्रयोग होता है। यह सस्टेंड वर्ड हो सकता है, अर्थात हम आप यूज करते हैं सस्टेंड इफोर्ट, निरंतर प्रयास, या कंसर्टेड इफोर्ट्स, सामूहिक प्रयास, या यह भी मान सकते हैं इंक्रीज्ड इफोर्ट्स कि अब तक हमने प्रयास अपना बढ़ाया नहीं था, अब की बार हमने अपने कोशिश करने के ताकत को, कोशिश करने के की क्षमता को बढ़ा दिया। तो सस्टेंड, कंसर्टेड और इंक्रीज्ड, ये तीनों वर्ड्स को बोला जाएगा कि इन तीनों वर्ड का प्रयोग अक्सर इफोर्ट्स के साथ देखा गया, अर्थात ये तीनों वर्ड इफोर्ट्स के साथ कंटेक्सुअल वर्ड्स होंगे। अर्थात किसी भी कंटेक्स्ट में यदि वर्ड इफोर्ट आया तो उनके साथ ही इन तीन वर्ड के प्रयोग की संभावना प्रबल हो जाएगी। यही कंटेक्सुअल वर्ड था। इसके बाद हम आप चर्चा कर लें छठे और अंतिम डिमांड की, जिसमें लिखा फॉक्सिंग ओवर द रियल क्लूज। इसके पहले भी मैंने चर्चा किया कि जब भी आप क्लोज टेस्ट बनाएंगे, क्लोज टेस्ट में प्रत्येक गैप को भरने के लिए लेखक कोई ना कोई एक क्लू या एक से अधिक क्लूज छिपा देता है। यदि इस क्लू को या क्लूज को हटा दिया जाए तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए क्लोज टेस्ट हल करना कठिन हो जाएगा। यह क्लू ही है जो हमें इशारा करती है कि इस ऑप्शन में इसके साथ ये वर्ड फिट बैठेगी। यदि क्लू को हम और आप हटा लें और हटाने के बाद इसे नेट पर पोस्ट करके और वर्ल्ड के सभी लोगों को आमंत्रित कर दें कि एक क्लोज टेस्ट का प्रश्न है जिसे हल करना है, तो दुनिया के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो आपको एक्यूरेट और खास आंसर बताएंगे, बल्कि हर व्यक्ति आपको संभावित प्रोबेबल आंसर ही बताएगा कि इस गैप के लिए ऐसा भी आंसर पॉसिबल है, इस गैप के लिए ऐसा भी आंसर पॉसिबल है, इस गैप के लिए यह भी आंसर पॉसिबल है, इस गैप के लिए यह भी आंसर पॉसिबल है। इसलिए किसी भी लेखक के पास जब क्लोज टेस्ट का प्रश्न वो सेट करता है तो यह मजबूरी होती है कि प्रत्येक गैप को भरने के लिए वो संकेत छुपा करके रखे, और हम और आप इस संकेत को ढूंढने में असफल होते हैं, जिसके वजह से हम और आप उस सही आंसर से भटक करके और गलत आंसर की ओर चल देते हैं। ये रहा क्लोज टेस्ट को हल करने के लिए हमसे जो डिमांड करती है वो बातें।